नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बनारसी, आपका अपना चैनल घुमक्कड़ बनारसी में स्वागत अभिनंदन वंदन है। दोस्तों, आज हम घूमते हुए विद्या की राजधानी BHU के जो विधि संकाय है वहाँ पे आज हम पहुँचे हुए हैं और इस विधि संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण को आप लोगों को मैं दिखाने का कोशिश किया है। आप लोग इस महाविद्यालय के कैंपस को देखिए, विशेषकर जो फैकल्टी आप ला है विधि संकाय, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, BHU में विधि संकाय से कानून की पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं, उन बच्चों के लिए विशेषकर यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। और यहाँ का कैंपस, यहाँ का वातावरण देख करके उनके मन में एक जोश, एक उमंग जागृत होगा। मैं अपने इस घुमक्कड़ बनारसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को विधि संकाय के विषय में बताने का प्रयास किया हूँ। यह एक अद्भुत और बहुत ही अच्छा संकाय है। यह इस संकाय का मेन गेट है, यहाँ से संकाय के अंदर एंट्री करते हैं। आइए हम लोग अंदर देखते हैं। हालांकि इस समय महाविद्यालय यूनिवर्सिटी बंद चल रही है और दीपावली की छुट्टियां चल रही हैं, फिर भी अंदर की चीज़ें मैं दिखाने का प्रयास करता हूं आप लोगों को। यह फैकल्टी ऑफ लॉ डिपार्टमेंट का अंदर की एक गैलरी है। इसके आगे उधर सब बगल में कक्षाएं चलती हैं, आज सब कक्षाएं बंद चल रही हैं, ये सब देख सकते हैं। ये सब इधर कक्षाएं हैं, एक कक्षा वगैरह है जो कि बच्चे बैठ के यहाँ पे पढ़ते हैं। इस समय दीपावली की छुट्टी चल रही है इसलिए क्लास में बच्चे नहीं हैं। ये सब क्लास है, आप लोग देख सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियो है, बच्चों को आगे बढ़ने और पढ़ने के लिए यह वीडियो उन्हें मोटिवेट करेगा। बहुत ही अच्छी फैकल्टी। इधर आप लोग देख सकते हैं, इधर बाहर निकल के लॉ कैंटीन सामने आप लोग को दिखाई दे रही होगी, थोड़ा वीडियो को जूम करिए, देखिए सामने कैंटीन है, इसका एक प्रांगण है, ऊपर भी क्लासें चलती हैं और टीचर्स के केबिन वगैरह ऊपर हैं, ऊपर मैं ले चलने का कोशिश करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं हम लोग ऊपर आ गए हैं, यहाँ भी सब कक्षाएं चल रही हैं, इधर भी टीचर्स के केबिन हैं अंदर जाने के लिए। बहुत ही अच्छा कैंपस है। यहाँ से पढ़ करके बच्चे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा करके जज, वकील वगैरह बनते हैं। ये देख लीजिए, ये केबिन है डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य जी का, जो यहाँ के प्रोफेसर हैं। आगे ये सब क्लास, ये देखिए क्लासेज हैं, डिजिटल क्लास है पूरा,
एसी की भी व्यवस्था है। मैं यहाँ से पढ़ कर के बच्चे देश विदेशों में जा कर के वकालत का काम करते हैं, न्याय करने का काम करते हैं। यहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी है, यानी सारी फैकल्टीज हैं। इधर टीचर्स के सब केबिन हैं बने हुए। हम लोग नीचे आते हुए आप डिजिटल व्यवस्था है यहाँ पे क्लासरूम में। शुद्ध आरो का पानी की भी व्यवस्थाएँ हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो स्टूडेंट यहाँ से कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भारत का संविधान, मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि, आगे पूरा कर्तव्यों के विषय में बताया गया है। एक प्रकार से यहाँ पे सारी व्यवस्थाएँ डिजिटलीकरण के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। हालांकि इसका एग्ज़ाम देने के लिए आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसको क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे एडमिशन होता है। तो एक बार फिर से आप लोग इसके मेन गेट का दीदार करते हुए इस प्रकार आज का यह वीडियो आप लोगों को एक मोटिवेशनल का काम करेगा। धन्यवाद दोस्तों। मैं अपने घुमक्कड़ बनारसी चैनल के माध्यम से आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।